बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी है, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़्म दर्शाती है इस जज्बे को जिसकी बुनियाद पर ही नुक्कड़ नाटक जैसी अनूठी विधा आज के इस डिजिटल एंटरटेनमेंट के दौर में भी मजबूत नज़र आती है। 70 के दशक में जब देश में इमरजेंसी का माहौल था, उन दिनों अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सफदर हाशमी जन नाट्य मंच के लिए नाटक किया करते थे। उसी दौरान उनके जहन में बिना सेटअप बिना स्टेज के ऐसे नाटक करने का ख्याल आया जो गली मोहल्लों और नुक्कड़ पर लोगों के बीच दिखाए जा सके। ये सन 1978 की बात है, शायद अगस्त की बात है, जब अगस्त में भी सितंबर 78 में जब सफदर ने बहुत ही उतनी सादगी से कहा जितना वो बहुत सारी चीज़ें करते थे कि भाई अगर हम बड़े नाटक नहीं ले जा सकते हैं जनता के बीच में तो छोटे नाटक ले चलते हैं। तो किसी हमारे एक ट्रेड यूनियन साथी ने एक हादसे के बारे में बताया था जो घटना घटी थी कि एक हेरिग इंडिया फैक्ट्री के नाम से, तो उस कहानी उस घटना को लेकर एक नाटक बना जिसका नाम है मशीन। और 1978 के अक्टूबर 15 अक्टूबर को प्रगतिशील लेखक की एक मीटिंग हो रही थी उनके वहाँ पे। करीबन 40 साल से समाज में बदलाव का जरिया बना हुआ नुक्कड़ नाटक हमेशा से ही संजीदा कलाकारों की पहचान रहा है, लेकिन बदलते दौर के साथ इस कला के प्रति तमाम युवा कलाकारों की दिलचस्पी बढ़ी है। यही कारण है कि आज दिल्ली और अन्य कई बड़े शहरों में स्कूल कॉलेजों के छात्रों में भी नुक्कड़ नाटक करने का जोश दिखाई देता है। काफ़ी देखे हैं, इनफैक्ट सीपी में या किसी कंपटीशन में अगर मैं कॉलेज में जाती हूँ फेस्ट में, सबसे मैं कुछ मैसेज तो लेकर आती हूँ। आजकल जो नुक्कड़ नाटक बन रहे हैं सबके सब किसी सोशल कॉज पे होते हैं, तो काफ़ी नाटक ऐसे थे जिनसे मैं सच में कुछ सीख कर गई हूँ। आम लोगों के मुद्दों, रोजमर्रा की परेशानियों और समाज में घटने वाली उचित अनुचित घटनाओं को व्यंग के रूप में हर व्यक्ति तक पहुंचाता यह माध्यम वक्त के बदलावों को अपनाता आया है। नएपन और सादगी का यह मेल आज के डिजिटल दौर में भी दर्शकों को खींचने का मादा रखता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, तो होते रहना चाहिए प्रोग्राम हर एक फील्ड में, सामाजिक स्तर के जो भी प्रोग्राम है ना, ये सब होते रहता है कि सुधार हो समाज में। समाज में बदलाव का जरिया कहे जाने वाले नुक्कड़ नाटक के मुद्दे वक्त के साथ बदलते आए हैं, पर अपने मायनों पर आज भी यह कला खरी उतरती दिखती है। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को घटी निर्भया रेप की घटना एक ऐसा उदाहरण है जहां समाज में एक जरूरी बदलाव को लाने में नुक्कड़ नाटक ने एक अहम भूमिका निभाई। अस्मिता थिएटर ग्रुप जैसे कई प्राइवेट थिएटर ग्रुप्स इस मुद्दे को नुक्कड़ नाटक के रूप में आम लोगों तक लेकर आए, जिससे लोगों के जहन में और उनकी सोच पर गहरा असर आया। निर्भया का जो केस रहा वो बहुत ही दुखद था, लेकिन उसे बहुत पहले से हम शुरुआत कर चुके थे। निर्भया के आगे पीछे बहुत केसेस लगातार होते रहते हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान खींचना बहुत ज़रूरी है। वो एक ऐसा केस था जिसने सब पूरे हिंदुस्तान का ध्यान खींच लिया और नुक्कड़ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया।
अगर उससे पहले मैं नुक्कड़ ना करती आती या पहले से चीज़ें शुरुआत इस बात के लिए नहीं होती तो शायद उस वक्त भी हम इतने तरीके से नुक्कड़ का इस्तेमाल नहीं कर पाते लोगों को इकट्ठा करने के लिए, एक सही मुहिम के लिए, एक सही दिशा में चलने के लिए। और लोग अपने आप भी निकल के आए, स्टूडेंट्स, टीचर, प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, वो सब आए। वो सब इसलिए आए क्योंकि उन्हें लगा कि मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज डिस्टर्बिंग। पर ऐसा क्या है जो इतनी पुरानी कला को आज भी हर व्यक्ति तक आसानी से जोड़ता है? वो कैसा जुनून होता है जो कड़ी धूप और मिट्टी में नंगे पांव नाटक करने के लिए इन कलाकारों को मजबूर करता है? यार देख लो, मेरे पैर में जंजीर लगी हुई है, हैं, जो कि नुक्कड़ नाटक से जा करके जो है जुड़ती है। अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं ना, तो वो बच्चा जब पैदा होता है उसको तो काट देते हैं, लेकिन वो काटने के बाद भी माँ के साथ एक अम्बिलिकल कॉर्ड का रिश्ता जो है वो हमेशा रहता है, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे उसके बाद में आपकी माँ रहें आपकी ज़िंदगी में ना रहें, लेकिन वो रिश्ता रहता है हमेशा। तो अब तो ऐसे लगता है जैसे नुक्कड़ नाटक के साथ या नाटक के साथ हम कह सकते हैं उस तरह का रिश्ता हो गया है। इसमें मज़ा बहुत आता है यार, सच्ची बात आपसे कहें। तमाम नई मनोरंजन की विधाओं से घिरे होने के बावजूद भी डफली की ढांप और एक साथ गूंजती कुछ आवाजें हर व्यक्ति के कदमों को रोककर एक बार नाटक देखने और शायद सोचने पर मजबूर कर ही देती है। इसलिए आई थिंक जो अदर मीडियाज हैं वो लोग अपने कंफर्ट जोन में रह के परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो नुक्कड़ नाटक के जो आर्टिस्ट जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो लोग इतना ज़्यादा पैशनेट लगते हैं मुझे कि इतना एफर्ट्स डालते हैं और आई थिंक लोग उनसे काफ़ी अवेयर और काफ़ी मैसेजेस भी लेते हैं और अवेयर भी होते हैं। अपनी छाप छोड़कर जहन में बस जाने वाला ये जरिया हर जरिए से अलग है, जिसकी तुलना किसी भी और जरिए से करना जायज़ नहीं कहा जा सकता।